हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ डेथ बाय चॉकलेट केक। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा चॉकलेट। इसमें जाएगा मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट चॉप करके रखा है, इससे मैं बनाऊँगी अपना गनाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम, जो मेरी पहले की केक के ऑर्डर की क्रीम बची हुई थी, मैंने उसी को यहाँ पे यूज़ किया है। जब भी आपको चॉकलेट क्रीम बनाना है तो अगर कोई पहले वाले ऑर्डर का केक का क्रीम बचा है उसी को आप यूज़ कर सकते हो। उसमें बस फ्रेश क्रीम और ऐड कर लो, और जब आप कोको पाउडर डालोगे वैसे भी पूरी सारी की सारी क्रीम का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो अगर आप बची हुई क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो तो ये परफेक्ट है कि आप चॉकलेट केक्स में इसको यूज़ कर लो। यहाँ आप अपने हिसाब से कोको पाउडर की क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कोको पाउडर ऐड कीजिएगा, और आपको हल्का सा क्रीम में चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा ही ऐड कीजिएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि इस क्रीम को हमको स्टिफ़ पीक्स तक नहीं बीट करना है, इस क्रीम को हमको बस सॉफ्ट पीक्स तक बीट करना है और फ्रिज में रखना है। जब आप इसको सेट होने फ्रिज में रखोगे तब कोको पाउडर के एडिशन के वजह से क्रीम अपने आप हल्की सी स्टिफ़ हो जाएगी। तो मुझे जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जितना सॉफ्ट पीक्स है इतना मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं इस क्रीम से कोई डिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ। बस इस क्रीम को मैं केक को कवर इससे मैं सिर्फ केक को कवर करूँगी और लेयर्स के बीच में थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी। अब करेंगे हम लोग स्पॉन्ज की लेयरिंग। मैं हल्के हल्के से इसको ऊपर से क्लीन करके फिर मैं इस केक को दो स्लाइसेस में कट कर लूँगी। ये डेथ बाय चॉकलेट है तो इसमें बहुत सारा चॉकलेट बीच में स्टफ़ होगा, जैसे वाइट चॉकलेट हो जाएगा, मिल्क चॉकलेट जाएगा और डार्क चॉकलेट भी हम लोग ऐड करेंगे। तो चॉकलेट का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं केक को सिर्फ दो लेयर में बनाऊँगी। अभी ये आ गया अपना पहला लेयर, इसको अभी हम लोग सोक कर लेंगे। अच्छे से सोक करना है, हर तरफ से इसको कवर कर लेंगे सोकिंग सिरप से। ये सोकिंग सिरप बस चीनी वाला पानी है। अब मैं डालूँगी गनाश, गनाश से केक को पूरा कवर कर लेंगे और साइड से भी थोड़ा सा इसको हल्के से कवर कर लेंगे। गनाश जब चॉकलेट केक्स में जब हम लोग गनाश डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जब भी चॉकलेट केक्स बना रहे हो और अगर आपके केक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है तो गनाश बिल्कुल बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। देखिए, मैंने पहले वाइट चॉकलेट डाला, अभी मैं डाल रही हूँ इस पर मिल्क चॉकलेट, अभी मैं ऐड करूँगी डार्क चॉकलेट। तो इसमें तीनों टाइप के चॉकलेट्स हमने लेयरिंग में ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम। ये चॉकलेट क्रीम में भी हमने स्टार्टिंग में डाला था कोको पाउडर, तो क्रीम में भी चॉकलेट वाला टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। क्रीम आपको ऊपर लगाना है ताकि जो ऊपर वाला स्पॉन्ज है अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए, अभी मैं साइड से भी इसको कवर कर लूँगी और अच्छे से एक लेवल पे केक को ले आएंगे। फिर मैं हल्का सा क्रंच के लिए वाइट चॉकलेट ऐड करूँगी। ये मैं बस इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि क्रीम के ऊपर भी थोड़ा सा चॉकलेट वाला क्रंची टेस्ट आ जाए। अभी मैं डालूँगी अपना फाइनल लेयर, ऊपर वाला लेयर। देखिए केक के स्पॉन्ज में की जाली कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं इसको सोक कर लूँगी अपने सोकिंग सिरप से, अच्छे से सोक करके फिर मैं लेयरिंग के ऊपर क्रम कोट कर लूँगी। मुझे क्रम कोट बस अच्छे से करना है, ज़्यादा नीट क्लीन फिनिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैं डाल दूँगी गनाश। ये चॉकलेट पूरा कवर हो जाएगा गनाश से और साइड में आ जाएगा चॉकलेट गनाश का ड्रिप। देखिए साइड में, और ये बस करने का इस रीज़न ये है कि जब गनाश के ड्रिप्स आ जाए और जब गनाश आप ऊपर से डालोगे तो एक नीट शार्प एज वाला फिनिश दिखेगा। अब मैं अपना लूँगी प्ले कार्ड। मुझे प्ले कार्ड से फिनिश करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सही से फिनिश होता है। मेरे पास इतने सारे स्क्रैपर्स हैं और पता नहीं क्या क्या है,
बट मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ प्ले काड़ी, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छे से नीट फिनिश आ जाता है। कुछ लोग एक्सरे वाले पेपर्स भी यूज़ करते हैं, बट मुझे तो यही वाला सेफ़ और अच्छा लगता है। देखिए, बस मुझे शार्प एजेस लेने हैं। मैंने गनाश, पतला वाला गनाश रेडी किया था। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि जितने भी एयर बबल्स हो सकते हैं उतने निकल जाए। तो शाइनी गनाश रेडी है और अपना केक भी रेडी है। आप देख सकते हो शार्प एजेस है, तो जब गनाश साइड से गिरेगा तो ये एजेस भी शार्प दिखेंगे। बहुत लाइट हाथ से आपको इस गनाश को फैलाना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेशर दोगे तो आप देख सकते हो साइड साइड में थोड़ा सा निकल गया था, क्योंकि मैंने हल्के से वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे दिया था। अब मुझे जहाँ जहाँ ड्रिप्स लगता है कि और चाहिए, मैं वहाँ वहाँ गनाश डालती जाऊँगी और ड्रिप्स को कवर करती जाऊँगी। देखिए, मैंने ये फ्रिज में रखा था सेट करने के लिए 1 10 to 20 minutes। अब मैं उसी क्रीम से साइड में एक डिज़ाइन कर लूँगी, बॉर्डर वाला डिज़ाइन। पूरे केक को मैं इससे, इस डिज़ाइन से कवर कर लूँगी। जब मैंने ये डिज़ाइन बनाया तो मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन डिज़ाइन कर दिया है केक पे, और इसको साइड में प्लेन ही रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं ये साइड में प्लेन रखती तो अच्छा लगता, या मैंने जो डिज़ाइन किया वो सही किया। ऊपर मैंने बस ऐसे ही एक सर्कुलर मोशन और एस वाला मोशन से मैंने डिज़ाइन बनाया है, और जहाँ जहाँ मुझे स्पेस दिखा वहाँ वहाँ मैंने एक एक डॉट्स लगा दिए। ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस एक टेक्सचर और डिज़ाइन देना था साइड में, तो मैंने इसी को दे दिया। अभी देखिए सुबह सुबह हो गई, वो मैंने काम रात को किया था। फिर मैं गई और मैं ढेर सारे मैंने चौक मैं चॉकलेट्स ले आई, और इससे मेरा थोड़ा सा डबल खर्चा हो गया, क्योंकि मुझे, मैं जब चॉकलेट लेने गई थी तो मेरा बेटा भी मेरे साथ आ गया, और जितने भी मैंने चॉकलेट्स केक के लिए लिए उतने ही चॉकलेट्स मुझे उसको भी दिलाना पड़ा। तो खैर, ये तो होता रहता है। अभी मैंने जितने मुझे जितने जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया, मैंने वहाँ वहाँ अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स मैंने चिपका दिए। मुझे लग रहा था कि और भी अलग टाइप के चॉकलेट्स लाने चाहिए थे, बट जितना मुझे सही लगा मैं उतने उठा लाई। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि और कौन से चॉकलेट्स आपको लगता है कि इसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे किटकैट, पर्क और ये चोको स्टिक और हर्शीज़ वाले चॉकलेट्स यूज़ किए। और यहाँ देखिएगा, मैंने वाइट चॉकलेट साइड में बॉर्डर पे लगाया, वो भी मुझे बाद में लगा कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन कस्टमर को ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। कस्टमर बोल रही थी कि उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिज़ाइन इतना अच्छा लगेगा, इतना मैं डिज़ाइन करके दूंगी। उनको तो लगा था कि मैं कोई प्लेन वाला चॉकलेट केक बना के दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे शाम में ही ऑर्डर दिया था और मैंने ये मुझे डिलीवर करना था सुबह 11 बजे। तो मैंने आधा डिज़ाइन इसका रात में किया और मैं सुबह गई, चॉकलेट्स ले आई और मैंने चॉकलेट वाला काम सुबह किया। और मुझे लिखना था हैप्पी बर्थडे डैडी, तो मैंने लिख दिया डैडी, और मैं हैप्पी बर्थडे वाला टैग डाल दूंगी। ये मैंने डाला है सिल्वर वाला स्प्रिंकल या स्प्रे, जो भी उसको बोला जाता है। मैंने वो नाम के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर दिया ताकि थोड़ा सा वहाँ पे शाइन दिखे। फिर मैंने डाल दिया ये गोल्डन बॉल वाले स्प्रिंकल्स। देखिए, हैप्पी बर्थडे वाला टैग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और आपको कोई अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियो में, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।